हेलो साथियों नमस्कार। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ये जो गाय है इसके जो बच्चा है वो फंस गया है। बच्चे के पैर पैर केवल बाहर दिख रहे हैं। तो इससे पहले कुछ लोगों ने प्रयास भी किया कि इसको निकाला जाए, बच्चे के पैर पकड़ के खींचे, लेकिन वो नहीं आया। तो ऐसे जब केस होंगे तो उसमें मैं आपको बारीकियां बताऊंगा कि किस प्रकार आपको पैर अगर दिख रहे हैं तो उनको नहीं खींचना है। पैरों को आपको इसमें सिंपली क्या करना है, अंदर करना है, क्योंकि हमने रस्सी मंगाई तो पैरों से रस्सी बांध के उसको अंदर किया। रस्सी पतली होनी चाहिए क्योंकि स्पेस जो रहता है पेल्विक गर्डल का इतना नहीं होता है कि भाई अगर मोटी रस्सी आप उससे बांधेंगे तो एक साथ आ जाए। कठिन प्रसव या डिस्टोकिया जिसको बोलते हैं, उसका रिलीव करने का मतलब उसको ठीक करने का केवल एक ही कॉन्सेप्ट है कि जो बच्चा है उसका सबसे पहले सर बाहर आना चाहिए, तत्पश्चात ही उसके पैर बाहर आएंगे। अगर आपको पैर दिख रहे हैं बाहर, उसका सर नहीं दिख रहा है, तो उसके पहले पैरों को अंदर किया जाना चाहिए। अब पैरों को अंदर इस प्रकार करना है कि पैर अंदर जाके मुड़े ना, फ्लैक्स ना हो, पैर सीधे रहें। और जो है फिर हमें कोशिश करना चाहिए उसके सर को बाहर लाने की। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं हमने उसके पैरों को अंदर कर दिया है, अब उसका जो सर है आपको दिखने लगा है थोड़ा थोड़ा, हम उसके सर को बाहर लाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही सर बाहर आ जाएगा केस 2 मिनट में सॉल्व हो जाएगा। डिस्टोकिया कितना भी बड़ा हो, अगर वो एंटीरियर प्रेजेंटेशन में है, मतलब कि अगर बच्चे का मुंह आ रहा है, सबसे पहले बच्चे का मुंह समझ में आ रहा है, बच्चे का मुंह बाहर की तरफ है, तो हमें पहले बच्चे के मुंह को बाहर करना है, उसके पश्चात आपको पैरों को बाहर करना है। मुंह के बाद पैर जो हैं जिस प्रकार आपको वीडियो में दिखाया जाएगा इस प्रकार आपको निकालना है। चूँकि सब लोग कहते हैं कि डिस्टोकिया में बल का ज़रूरत पड़ती है, लेकिन मेरे हिसाब से इसमें बल के साथ साथ टेक्निक की ज़रूरत होती है। नहीं तो अगर आप बल का प्रयोग करेंगे तो जो अंदर के जो ऑर्गन्स हैं एनिमल के, माँ के, मदर के, तो वो ऑर्गन्स आप डैमेज कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप पैरों को फ्लेक्स करके या फिर मोड़ के अंदर करेंगे और उसके बाद खींचेंगे उसको, तो खींचने से क्या होगा, अंदर रप्चर होगा, और रप्चर होने के बाद वहाँ पे ब्लीडिंग होगी। ब्लीडिंग इंटरनल ब्लीडिंग के चलते एनिमल की डेथ भी हो सकती है। इसके अलावा शॉक में जा सकता है एनिमल। साथ ही में अगर छोटी मोटी ब्लीडिंग होती है तो उसके कारण क्या होता है कि वहाँ पे सर्विसाइटिस होगी, या फिर जो भी जहाँ पे भी ब्लीडिंग होगी उसका इन्फ्लेमेशन होगा। इन्फ्लेमेशन होने के बाद में वहाँ पे गांठ बन सकती है। गांठ बनने के कभी भी माँ बनने लायक नहीं रहता है एनिमल। देखिए किस प्रकार हमने पैरों को बाहर कर लिया है। अब देखिए बच्चे को आप आसानी से खींच कर बाहर कर सकते हैं। देख सकते हैं कि इसका जो अम्बिलिकल कॉर्ड है वो भी इंटैक्ट है। तो ये जो है अबॉर्टेड केस है। ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक ज़रूर करें।